Welcome back. This is Mayuri Deshmukh, your coach for fitness, wellness and health. I struggled with shoulder pain for many years, but you don't have to. क्या आपको ऑफिस में बहुत देर काम करते वक्त कभी ऐसा लगता है कि बस हो गया, अभी थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है, या वर्कआउट करने के बाद, बहुत लिफ्टिंग करने के बाद आप मूवमेंट में थोड़ा सा से अनईजी हो रहे हो, या आपने इतना कुछ हैवी वर्कआउट कर लिया है कि आपके शोल्डर के ऊपर कुछ स्ट्रेन आ गया है और अभी आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है वज़न उठाने में या आपके डे टू डे लाइफ में मूवमेंट्स करने में. So these exercises which I will demonstrate will help you to get away with those nagging pains and that stiffness in the joint as well. So the first exercise we're doing is for the pushing movement. इसे हम landmine press कहते हैं. So landmine के लिए सेटअप ऐसा रहेगा कि बार हम एक साइड में एंकर करने वाले हैं और फैट साइड के ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर होल्ड करने वाले हैं. पोजीशन से आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, एक पैर, एक आगे पीछे पैर रख के या दोनों पैर एक साथ रख के भी आप कर सकते हो. सो हियर आई एम गोना पुश अप विथ माई शोल्डर. शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, रिलीज एंड प्रेस अगेन. बार को एक साइड में एंकर करने से हम इस मूवमेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं. सो यूजिंग द डम्बल्स इज़ अ वेरी अनस्टेबल मूवमेंट. इट कैन टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट अ हैंग ऑफ दैट. So using a bar like this will be suitable for your shoulders to come back to their original strength. आप प्रेस करते समय शोल्डर को पूरा उठा सकते हैं. रिलैक्स एंड गो अगेन. आपके शोल्डर के जॉइंट्स में ऑलमोस्ट 17 डिफरेंट मसल्स हैं जो उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं. बट देर आर 4 विच आर कॉल्ड द रोटेटर कफ मसल्स. आपका इन्फ्रास्पिनाटस, सुप्रास्पिनाटस, सबस्कैपुलरिस और टेरेस माइनर. सो इन मसल्स को आपका शोल्डर जॉइंट बेसिकली आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से स्टेबलाइज करने वाला है. सो इसमें हम पुशिंग के लिए जो है वो सेकंड मूवमेंट एसेंट्रिक पुशअप करने वाले हैं, मतलब पुशअप की सिर्फ नीचे जाने की फेज़. सो टेक योर पुशअप पोजीशन फर्स्ट. चेस्ट इज न्यूट्रल, नीचे जाना है और नीज़ की हेल्प लेके आप ऊपर आ सकते हो. होल्ड, गो स्लोली डाउन एंड कम अप. प्रेस करके ऊपर नहीं आना है आपको. फॉर्म को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको एग्जैक्टली क्या करना है पता चल जाएगा. अभी हम पुलिंग के लिए 2 अलग एक्सरसाइजेस देखेंगे, मेनली फॉर द बैक ऑफ द शोल्डर. सो द फर्स्ट इज़ अ फेस पुल. देखते हैं वो कैसे करना है. अभी मैं जिम में पीटी स्टेशन रहता है वो यूज़ करके केबल का यूज़ करने वाले हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप रेजिस्टेंस बैंड घर में भी यूज़ कर सकते हो. सो योर शोल्डर्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली पुल्ड अप और इस तरह से पूरा पीछे खींचना है आपको. माई पाम्स आर फेसिंग आउट, एल्बोज आर अप एंड आई एम फीलिंग अ नाइस स्ट्रेच ऑन माई रेड एल्ट. हाथों को आपके शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर रखना है. रिस्ट आपकी बाहर की तरफ पुल हो रही है और मेक श्योर कि आपके एल्बोज आपके शोल्डर के ऊपर जा रहे हैं, थोड़े से पीछे की तरफ. हमारा सेकंड पुलिंग एक्सरसाइज इज़ अ सिंगल आर्म हाई रो. ये भी हमारे रेयर डेल्ट यानी शोल्डर के बैक साइड के लिए है. लेट्स सी हाउ टू डू इट. यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट टू लाइट डम्बल चाहिए और एल्बो को हम बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं. सो ऑब्जर्व द एंगल ऑफ माई एल्बो विच इज़ रीचिंग अप टू द सीलिंग एंड मूविंग ऑन द साइड. ऐसे आना है. डम्बल को घुमाइएगा मत, हॉरिजॉन्टली रखना है और इसी लाइन में ऊपर लाना है. द नेक्स्ट 2 मूवमेंट्स दैट वी डूइंग आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक होल्ड्स. सो यहाँ पर डिप्स बार के ऊपर वी गोना होल्ड अप. Your neck is straight, your shoulders are pulled back and you're going to hold this position for 30 seconds. नीचे जाके डिप्स नहीं करना है आपको, सिर्फ होल्ड करना है. This is going to improve the stability of that joint. You might experience some shaking. Just try to control that and hold it for the time. The next isometric we are doing is a forearm side plank. A lot of people do this for their obliques to train their abs, but I also like to use this as a shoulder stabilizer. While taking position, make sure your elbow is right underneath the shoulder. And the one cue that I want to give you here is that your shoulder should be pushing away from the floor and should be pushing towards the ceiling. As if आपके shoulder में थोड़ी सी gap create किए हैं आपने, ऊपर की तरफ press करते रहना है. That is how you're going to stabilize that joint. Two final rotational exercises we're doing are for the external rotational movement of the shoulder joint. Let's see how to do them. So grab a dumbbell, sit on the floor or on the bench, anyhow, whichever way is comfortable to you. Make sure your elbow is placed on your knee in such a manner that it is nicely anchored, so that you can lower your wrist down and pull up with full force, making sure that the elbow doesn't move away from the knee. एल्बो को आपको प्रेस करके रखना है नी के ऊपर और फिर आपके शोल्डर की मदद से आपके डंबल को उठाना है. द लास्ट वन वी आर डूइंग इज अ बैंडेड पुल अपार्ट. ऑल यू नीड इज अ लाइट वेट रेजिस्टेंस बैंड एंड यू कैन कीप योर पाम्स फेसिंग डाउन, शोल्डर्स स्लाइटली पुल्ड बैक एंड जस्ट पुल द बैंड अपार्ट. दैट्स इट. कीप द कॉन्ट्रैक्शंस स्लो एंड कंट्रोल्ड. डोंट गो टू फास्ट. यू कैन make slight variations by bringing your arms up, bringing them down. You can also bring them from side to side. We make sure to include all of these exercises in our workout programs, and now you have them. So if these were helpful to you, do subscribe to my channel, leave your comments and share this video. Thank you.